हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSC कोचिंग सेंटर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की। मैं सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो पहले डाल चुका हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो। दोस्तों, ये RRB में क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे और हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, इस तरीके के सवाल सॉल्व करने का हमारा क्या तरीका होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आगे से आप कभी पेपर में बैठें तो ये कोई तरीका आप ध्यान में रख के बैठें कि सवाल को कैसे सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा सवाल दे रखा है, इसमें ऑफ दे रखा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, इस यानी कि मल्टीप्लाई, मैं आपको बता चुका हूँ इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/4, यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ के लिए मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई बाई 2170 ये दे रखा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से संख्या को काट देंगे पूरी को, तो 7 से 21 कट जाएगा, ये बचेगा 7, 7 एकम 7 कट जाएगा और ये 0। अब इसे 2 से 4 को काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, और 2 से 6 को काट देंगे, 3 बार कट जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। दोस्तों, बचा कि हमारे पास 5 और 310, तो बचा कि हमारे पास 5 और 310 बचा। दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 × 310, या मल्टीप्लाई है इसलिए 310। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 आएगा, 5 का 1 में किया 5 एकम 5, 5 का 3 में 5 दिया 15। दोस्तों, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये हमने कैसे जल्दी से जल्दी कर दिया, ये तरीका आपको ध्यान रखना। पहले हमने 7 से इस संख्या को काट दिया पूरी का, इतनी बार कट गया, 2 से 4 को काट दिया, 2 बारी ऊपर नीचे काट दिया, 2 से 6 को काट दिया 3 बार, और ये 3 से ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो गया, बचा कि हमारे पास सिर्फ 5 और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर दोस्तों हमारा आंसर हो गया। अब मैं बात करता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन की जो आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन RRB में आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो आगे वाली संख्या दे रखी है इनको पहले सॉल्व कर लेना है, यानी कि 2, 3 और 5 को पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 2 ये प्लस के दे रखे हैं तो इन सबको एडिशन कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, यानी कि 2 और 3 5, 5 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब इसको 10 को अलग कर लिया, इसको ऐसे लिख लो 1.7 + 6/7 + 1/6 ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, आप इन सभी का आप LCM ले लेंगे, तो LCM कितना आएगा इन सभी का, ये विषम संख्या है तो 7/42, और ये 7 का तो 7 ही रहेगा, 7/42 इसका LCM आ जाएगा। अब 7 से कितनी बारी कट रहा है बॉलिंग, 7/42 तो 6 एकम 6 हो जाएगा प्लस, और 7 से कितनी बार कर रहा है, 6/36 हो जाएगा प्लस, 7 बार कट रहा है, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब तीनों का प्लस कर लेंगे, 6 और 36 42 42 7 49 कितना हो जाएगा, ये 49/42 ये हो गया हमारा। और यहाँ पर कितना हमारा 10+, लेकिन हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, हमें करना क्या होता है, अंश छोटा और हर बड़ा लाना होता है, तो इसे कैसे करेंगे, यानी कि 42 आएगा, यानी कि 42 एकम 42, ऊपर क्या बचा 7/42, हमें ऐसे भी तो कर सकते हैं, यानी 42 एकम 42, यानी 42 हो गया, 42 में 7 जोड़े तो 49, तो 49/42 ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या था हमारा 10, तो 10+1 ये हो गया। अब ये कितना हो गया हमारा पूरा 11, यानी कि 11 10 को और 1 को जोड़ दिया तो 11 सही 7/42। दोस्तों, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमें अंश छोटा करना है और हर बड़ा करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी RRB में आया हुआ है, ये 5005/35/5 दे रखा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों, मतलब पहले वाला जो हमें दे रखा है, पहले जो संख्या दे रखी है उसे सबसे पहले लिख लेना है, और बाद में जितनी भी संख्या दे रखी हैं, उन्हें नीचे लिख लेना है, यानी कि 35 × 5 इनको नीचे लिख लेना है, क्योंकि इसको नीचे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बाद में और संख्या होती तो उन्हें भी नीचे ही लिख लेते हम, तो इसे ऊपर नीचे काट देंगे दोस्तों, 5 एकम 5 कट जाएगा, ये 0 और 5 एकम 5 कितनी बार कट गया, 1001 बार कट गया, यानी कि 101 बचा क्या नीचे, 35 बचा क्या नीचे हमारा 35। अब 35 से इसे 1001 को काटेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, 35 से 1001 काटेंगे तो कितना कट जाएगा हमारा, 28.6 बार कट जाएगा दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। काट के देख लीजिए दोस्तों, कैलकुलेशन करके ये हमारा 28.6 बार कट जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये RRB में आया हुआ सवाल है, इसमें करना कुछ नहीं है, काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि संख्या पॉइंट में दे रखी है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये प्लस दे रखा है, ये प्लस दे रखा है और ये प्लस दे रखा है, यानी कि एडिशन हो रहा है इसमें और कुछ नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ खास बात ये है इसमें ध्यान रखने वाली
क्या पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या दे रखी है उन्हें पॉइंट के बाद लिख लेना है, और पॉइंट से पहले जो संख्या दे रखी है उन्हें पॉइंट से पहले लिख लेना है। यानी कि हमने यहाँ पर लगा लिया दोस्तों पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है ज़ीरो और फाइव, और पॉइंट से पहले क्या है ट्रिपल फाइव। तो दोस्तों पॉइंट से पहले हमने यहाँ पर ट्रिपल फाइव लिख लिया, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है फाइव और फाइव, और पॉइंट के बाद कितना है फाइव और ज़ीरो, ये लिख लिया। फिर नीचे पॉइंट लगाया, यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट से पहले, ये लिख लिया दोस्तों हमने। अब ये रह गया है हमारा पॉइंट से पहले क्या है फाइव, और पॉइंट के बाद क्या है फाइव और फाइव, फिर नीचे लगा लिया पॉइंट, अब क्या रह गया फाइव। यानी कि किसी संख्या के आगे पॉइंट ना हो, कोई ना हो, तो हमारा वो बड़ा संख्या होता है, यानी कि पॉइंट के बाद नहीं लगेगा, ये पॉइंट से पहले लगेगा। अब इसके आगे क्या है कुछ नहीं है, इस पॉइंट के नीचे जीरो लगा, पॉइंट लगा लिया, इस पॉइंट से पहले क्या है ज़ीरो, पॉइंट के बाद क्या है फाइव और फाइव, ये हमें प्लस दे रखा है, तो सबका एडिशन कर लेंगे दोस्तों। फाइव फाइव टेन और फाइव फिफ्टीन का, फाइव वन कैरी का ऊपर आ गया, वन कैरी का इसके ऊपर, यानी कि पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच या पंद्रह, और वन कैरी का सोलह, सोलह का सिक्स। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट आ जाएगा और वन कैरी का इसके ऊपर आ जाएगा, तो फाइव दस पंद्रह बीस और एक इक्कीस का एक, दो कैरी का इसके ऊपर आ गया, यानी पाँच, पाँच दूनी दस और दो बारह, बारह का दो और वन कैरी का इसके ऊपर, ये कितना हो जाएगा सिक्स दोस्तों। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट से पहले। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है 25.6 का परसेंटेज मांग रहा है ऑफ 20.50 का परसेंटेज। तो दोस्तों जब भी हम परसेंटेज मांग निकालते हैं तो 25.6 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, यानी कि 100 से डिवाइड करते हैं जब भी परसेंट निकालते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों इनटू, यानी कि मल्टीप्लाई, 250 प्लस रूट एक्स लिख लेंगे यहाँ दोस्तों, एक्स निकालना है 119, ये लिख लिया हमने। अब क्या होगा इसमें एक ज़ीरो से दोस्तों एक ज़ीरो कट जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। अब ये कितनी बारी कट गया, पाँच से दो बारी कट गया, जे पाँच से अगर दस को काट दूंगा तो दो बारी कट जाएगा, और पाँच से इसे पच्चीस को काट दूंगा तो पाँच बारी कट जाएगा। अब दो से इसको काटूंगा मैं, दो से पच्चीस को जब मैं काटूंगा तो कितनी बारी कट जाएगा, बारह, बारह पॉइंट एट बारी कट जाएगा ये। अब बचा क्या यहाँ पर, फाइव इंटू में क्या बचा, इंटू फाइव, और ये क्या बचा प्लस रूट एक्स इक्वल टू वन वन, ये क्या बचा हमारे पास नाइन बचा। अब करना क्या है, जब 12 इंटू पॉइंट एट इंटू फाइव करेंगे तो इसका कितना आएगा, यानी 12 पंजे 60 होता है, और इसका 8 का 8 पंजे 40, लेकिन ये पॉइंट में दे रखा है तो इसका आधा जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 64, 64 प्लस यानी 12.8 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 64 आएगा हमारा, और रूट एक्स इक्वल टू 119 ये आ गया हमारा। अब ये हमारा प्लस में निकालना है हमें, और ये इधर ले जाके कितना कितना माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट एक्स इक्वल टू 119 माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस का 64 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, यानी कि 9 में से 4 को काट दिया, 9 में से 4 को काट दिया तो 5 बचेगा, 11 में से 6 काट दिया तो 5 बचाएगा, तो हमारा रूट एक्स इक्वल टू कितना आया 55। लेकिन ये रूट हमारा रूट में है, हमें रूट से हटाना है इसे, जब हम इसे रूट से हटा देंगे, जब हम इसे रूट से हटा देंगे तो कितना बचेगा सिर्फ एक्स आएगा, और जब रूट इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा रूट एक्स पे से जब रूट हटेगा तो रूट इधर आएगा, और रूट हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 55 का स्क्वायर 30, 25 यानी कि 3025 दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 55 का स्क्वायर, और यही हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का मान आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो इसे आप ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, जब आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा ही इजी तरीके से एक दो लाइन में आप यहाँ तक ही सवाल को कर देंगे। एक और सवाल मैं बता रहा हूँ, एक और सवाल दे रखा है, इसमें क्या है 1425 प्लस 85, यानी कि यहाँ एडिशन हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है और यहाँ डिवाइड हो रहा है। दोस्तों एक रूल होता है बी बोर्ड मास वाला रूल होता है, हम उसे फॉलो करेंगे। यानी कि बी बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले अब यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, सबसे पहले डिवाइड को हमें सॉल्व करना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1680 डिवाइडेड बाई 200 दे रखा है, इसे सॉल्व करेंगे, यानी ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, जब ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा तो अब दो से इसे काट देंगे तो कितनी बारी कट जाएगा 10 बार कट जाएगा, दो नहीं 20 होता है, और दो से जब इसे काट देंगे तो 84 बारी कट जाएगा, यानी कि 84 डिवाइडेड बाई 10, और जब 10 से 84 को काटेंगे
तो ये क्या उतना हो जाएगा 8.4, ये कितना हो जाएगा हमारा 8.4, क्योंकि जीरो है यहाँ पर, जितनी संख्या पहले जीरो होता है उतनी संख्या पहले पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 8.4 हो जाएगा ये। अब क्या करना है इसमें, ये एडिशन दे रखा है 1425, प्लस करना है इन सबको, 8560 को भी प्लस करना है। अब इसमें क्या है, ये पॉइंट की संख्या है दोस्तों, तो पॉइंट से पहले वाली संख्या पॉइंट से पहले लिखेंगे, यानी कि 8 यहाँ पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के बाद वाली बाद में लिखेंगे, इन सबको प्लस कर दो, यानी कि 4.5 और 8 13 का 3, हासिल का 1 3 और 6 9, 4 और 5 9, 1 8 एंड 9। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ये सवाल जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें तो इन सवालों को करके जाइए, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए सवाल किस तरीके का आता है। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।